हेलो हाई असल वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ब्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं ये वाला ब्लॉग भी मैंने दो व्लॉग्स को दो व्ग्स को नहीं दो दिन को मर्ज करके बनाया तो इसलिए जब रात से सुबह हो जाए तो समझ जाएं कि नया दिन स्टार्ट हो गया था तो मैंने दो व्लॉग्स को मर्ज कर दिया अभी इधर बैठ के मैं जो है वो वीडियो एडिट कर रही थी आज जो है आ, वाइट फ्राइडे था जिसे ओरिजिनली जिसका नाम ब्लैक फ्राइडे होता है लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में से वाइट फ्राइडे कहते हैं तो वहाँ पे गए हुए थे शॉपिंग के लिए बाकी सब गए थे मैं नहीं गई थी तो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लेकर आए हैं और अ, मेरी अम्मी तो कह रही थी उन्हें चक्कर आने लग गए थे इतना रश था लोगों ने लोगों का बहुत हजूम था तो इसलिए वो जल्दी आ गई थी वो ज़्यादा रश में रह नहीं सकती वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लाए थे और ज़्यादा कपड़ों पे ही सेल थी अम्मी बता रही थी तो कपड़े वहाँ से अम्मी ने परचेज किए हैं काफ़ी सारे और आज खाने में जो है वो बना हुआ है खोफ थे बने हुए हैं और मैं जो हूँ लेकिन बनाने आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी साथ में बैठ के कुछ उसके स्नैक्स एंजॉय करूँगी कॉफ़ी में अबू की रेसिपी जो है ना वो ट्राई करने लगी हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ हम लोग अब्बू की रेसिपी से बनाएंगे जिसमें जो है वो क्रीम की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास ऑलपर्स की क्रीम है तो मैं वो यूज़ करूँगी और इसमें जो है ये जो सिंपल डेरी क्रीम होते ये यूज़ करते हैं वो व्हिप्ड क्रीम वगैरह कुछ नहीं तो ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे और इसमें बस चीज़ें दिखा देती हूँ मैं कौन कौन सी ये ये चीज़ें मैंने जो है वो दूध लिया है कोई भी दूध ले सकते हैं हमारे घर पे फ्रेश मिल्क था और साथ में ऑलपर्स का भी पड़ा हुआ है ऑलपर्स मुझे थोड़ा सा मैं शायद यूज़ करूँ तो मैं फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ ऑलपर्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी ये वाली है नेस्कैफे की और इसके अलावा ये कोकोआ पाउडर यूज़ करके हम जो है कॉफ़ी में थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत हल्का सा यूज़ करेंगे इधर मैंने जो है वो दूध रख दिया जितना मैंने यूज़ करना है मैंने उसके मुताबिक अपना दूध डाल के रख है और इसके क्योंकि मैंने सिर्फ अकेली ने पीनी है किसी और साथ में पीनी नहीं है और यहाँ पे जो है मैंने एक टेबल स्पून ये डाल दिया है कॉफी और इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगी चीनी ऐड करूंगी थोड़ा सा कोकका पाउडर ऐड करूंगी जिसे कोको पाउडर भी कहते हैं और इसके अलावा मन की जोर सुनार यहाँ इसके अलावा ये अबू कॉफी है कि मेरे अबू ने जो रेसिपी दी हुई है जब मैं सिक्स क्लास में थी तो मुझे तब से कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता था तो मेरे अबू मेरे और फिर उन्होंने मुझे फाइनली सिखाई दी थी सेवन क्लास में बहुत ज्यादा फैन फैन के कॉफी वो तो उसमें जो एक एडिशनल चीज़ होती थी वो थी कॉफी मैट मेरे अबू जो है वो कॉफी मैट है यूज करते थे और फिर क्रीम यूज़ करते थे ये टोटली मेरे अबू की रेसिपी है ऐसा कुछ नहीं जो डेलगोना कॉफी और दूसरी स्टार बॉक्स वगैरह में मिलती ना जो रेसिपीज होती है उनकी उससे नहीं है अच्छा इसके अंदर जो है ये ऐड करेंगे फिर उसके और यहाँ पे जो दूध को बॉईल आ गया मैं इसकी जो फ्लेम है वो बहुत लाइट से कर दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ अभी ये पके ठीक है और इसके अलावा मैंने शुगर भी ऐड कर दिया और ये जो मेजरमेंट है ये मैं ज्यादा लोगों के लिए रख रही हूँ क्योंकि एक टेबल स्पून कॉफी जो है अगर आप वो डालते हैं सिर्फ एक बंदे के पीने के लिए तो वो ज्यादा कड़ी हो जाती है अगर आप लोग जो है वो बिटर कॉफी लाइक करते हैं तो इट्स अपॉन यू ठीक है कि भाई आप लाइक करते हैं लेकिन अदरवाइज अगर तो कोई ऐसा बंदा है ना जो ज्यादा कॉफी को कड़वा नहीं ले सकता उसको नहीं पी सकता तो फिर वो ये जो मैं करी करें कि मैं अलग से कॉफी का ये तैयार करूंगी और मैंने कल के लिए भी तैयार करके रख लेना और मैं कल भी उसे यूज करूंगी तो ये कल और आज दो मतलब उसके लिए तो आप उस हिसाब से करी क्योंकि वन टेबल स्पून फॉर वन कप इज अलॉट सो अच्छा जी अब इसके अंदर जाएगी टाइम ये मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी आप लोगों के सामने इतनी क्रीम है ठीक है ये इसमें चली गई फिर इसके बाद जो है कोकोआ पाउडर सिर्फ एक पेंच कोको पाउडर भी मैंने डाल दिया है और कोको पाउडर डालने का ना जो फायदा होता है वो मैं बता देती हूँ क्या होता है कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है इसके अलावा अब आपने जो है वो एक स्पून लेना है जो क्लीन हो और ये जो गर्म दूध है इसमें एक टेबल स्पून आप डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से फिर मिक्स करते जाएंगे करते जाएंगे जब हम इसे मिक्सचर मिक्स मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो ये इस कलर में होगा डार्क ब्राउन कलर में तो अब जब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी तो ये लाइट कलर हो जाएगा मैं तब दिखाऊंगी एंड वन मोर टिप कि अगर आप जो है कॉफी मेट पसंद करते हैं और उस वक्त नहीं है घर में तो ये जो उबले हुए दूध की फ्रॉथ बनती है ना ये आपने फ्रॉथ इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऐड करनी है फिर उसके बाद आप घुला लें एकदम वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप जो है कॉफी मेट यूज करते हैं तब आता है पाँच मिनट हो गए और जो दूध था उसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है अब क्योंकि ये काफी अच्छे से बॉईल हो गया था और इसके अलावा ये देखें इसका जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया जो है वो कॉफ़ी को हम डालेंगे इसमें और वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको जितनी चाहिए ना अगर आप लाइक like मुझे जो है इसमें वन टेबल स्पून में डालूंगी और जो रह जाएगा लेफ़्ट ओवर वो मैं छोड़ दूँगी कल के लिए और जो लेफ़्ट ओवर होगा वो मैं कल मॉर्निंग में पी लूँगी ये देख लें इतना मैंने ले लिया बाकी मैं जो बच हैं वो छोड़ रही हूँ और वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है जो रहता है और अब मैं इसके अंदर अगर आपको स्टेन करके ढूढ़ बोलने की थी <laughs> दूध डालना तो वैसे डाल लें लेकिन मैं ऐसे ही इसमें पोर करूंगी फॉर वर्ड रीज़न क्योंकि मुझे मलाई पसंद है ठीक है अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना पिए और अभी इसकी फेंटा फेंटी होनी है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार ये मिक्स हो गया ठीक है ये रहे इसके बबल्स तैयार और मुझे ऐसी ही कॉफ़ी चाहिए तो मैं लेकर इसको जाने लगी हूँ आप भी जो है अपनी कॉफ़ी बनाएं मेरे साथ शेयर करें बस ना ना। आम ये मैं अपना राउंड शेप पैटर्स तो भूली गई थी उसके साथ कॉफ़ी के साथ तो मैं दोबारा गई थी लेने के लिए तैयार हो गई है अब मैं पीती हूँ और आपको बताती हूँ कैसी है होपफुली वैसी ही बनी हूँ जब मैं अपने बचपन में पीती थी आजकल ना ये वाली क्रीम कॉफ़ी मैंने पीना छोड़ी हुई थी मैं मोस्टली अब डेलगोना कॉफ़ी जो है वो ही सर्दियों में ज़्यादा प्रीफर करते थे क्योंकि सारा भी जब इधर होती थी तो वो भी लियो कैसे भागता भागता है वो मैम जी सिर्फ देखने के लिए क्या बने लियो आपके लिए नहीं है मेरे लिए है आपको हम ट्रीट्स देंगे जाना यार मजाक के अलावा बहुत आला कॉफी बनी है इसका टेस्ट क्योंकि इसके अंदर वो कोको पाउडर भी डाले ना तो चॉकलेट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है कि ये मैं अपनी मेहनत मज़दूरी करने के लिए ऊपर जा रही हूँ जो जो मुझे फॉलो करते रहते हैं वीडियोज़ देखते रहते हैं उन्हें पता होगा कि जब भी मैंने ऊपर जाना होता है अपने काम के लिए आ, पेंटिंग वगैरह करनी होती है शूटिंग करनी होती है सारी चीज़ें तो आ, मैं फिर ये अपना जो मिड नाइट स्नैक्स होते हैं वो ले जाती हूँ स्नैक तो नहीं प्रॉपर वैसे डिनर ही होता है लेकिन ये लेट नाइट डिनर होता है तो वो सारा कुछ मैं ले जाती हूँ ये कोफ्ता जो था जो मैंने खाया नहीं था क्योंकि मैं कॉफ़ी पी रही थी तो फिर मैंने ये कोफ्ता जो है वो लेकर चल पड़ी थी ये मैंने रात को अपनी पेंटिंग्स दोनों स्टार्ट कर दी थी और इस तरीके से और अभी इनको मैंने कंप्लीट करना इन पर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये लोग ये वाली पेंटिंग्स जो है ना इनमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और जितना ही रिफाइंड काम होगा उस हिसाब से मैंने इसको जो है वो सेल करना है तो इन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसकी डिटेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके इसके अलावा टाइम हो रहा है कुछ दोपहर के चार बजे का हाँ मैंने इसके अलावा आप लोगों को ना डिसाइड किया था कि कुछ दिखाया करना दिखाया ये करना है मैंने कि हर रोज़ मेरी जो ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड है इधर मैं लिंक भी उसका डाल दूँगी इंस्टाग्राम का आप लोग वहाँ से जाके कर परचेज़ कर सकते हैं उसका मैं आपको एक एक आर्टिकल करके ना हर वीडियो में दिखाती हूँ यूट्यूब पर भी ताकि एक तो मैंने वीडियो बनाई भी थी लेकिन उसमें सारे कपड़े नहीं दिखाए थे तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ आज मैं आप लोगों को पहला दिखाती हूँ फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो विद दिस वन और ये जो आर्टिकल है ये सिंपल शर्ट है और स्टार सिल्क कपड़ा है जो कि सर्दियों में भी पहना जा सकता है स्प्रिंग सीजन में भी पहना जा सकता है इसको बहुत आप इजीली कैरी कर सकते हैं और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं घर में कोई मेहमान आए तब भी पहन सकते हैं वैसे भी इसको किसी भी चीज़ के साथ पेयर करके पहन सकते हैं मतलब और बहुत सिंपल है और मैंने इसके जो बाजू हैं ना वो इस तरीके वरीके रखवाएं ये आप देख लें यहाँ से इस तरह से मैंने रखवाए हैं और इसके अलावा इसके जो जहाँ से इसका स्टार्ट होता है फ्रंट जो है जो अपर साइड ऑफ स्लीव्स है उस पर भी सेम इस तरह से चुनटे बनी हुई, हुई है देखें ये चुंटे बनी हुई हैं और इसका सिंपल सी एक बे नेक है और इतना वैसे इसका जो डिज़ाइन है वो इतना खूबसूरत है कि देखकर भी मजा आता है पहन कर भी मज़ा आता है और बहुत सॉफ़्ट कपड़ा है ऐसा लगता है मतलब जब आप पहनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं पहना हुआ इतना इतना सॉफ्ट है ये कपड़ा और दिखने में जब आप पहनेंगे तो इतना एलिगेंट लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है डिज़ाइन एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को तो फिर से ये देखिए डिटेलिंग तो मैंने दिखा दी है कि बेगला बना हुआ है इसका और स्लीव ये देख लें ये चुमटे हैं यहाँ पर फिर जो जो स्लीव का एंड है वहाँ पर भी चुमटें और इस तरीके से डिजाइनिंग हुई हुई है और पेज का जो इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं इजीली जाके वो मैं डाल दूँगी यहीं पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को तो आप लोग उस पे जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करें और मुझे ढूँढें और ख़रीदें पहने और फिर मुझे इस पर बताएँ कि आप लोगों को कैसा लगा ये ये सिर्फ सिंपल शर्ट है इसके अलावा मेरे पास टू पीस भी हैं थ्री पीस भी हैं वो भी आप और मेरे पास सारे स्टिचड हैं क्योंकि मैं मेरा मकसद ही बनाने का ये था स्टिच कपड़े कि कहाँ बंदा जाता है ख़रीदता है फिर उसके बाद जो है कभी अच्छा कपड़ा मिलता है नहीं मिलता फिर स्टिच कराने के लिए आजकल जो है वो दर्ज दर्जने नहीं मिल रही होती तो ये बड़े मसले होते हैं इसलिए मैंने अपने पास स्टिच रखा था ताकि जितनी सहूलत मैं दे सकूं लोगों को मैं दूं और अच्छा कपड़ा मयारी कपड़ा दे लेके दूं क्योंकि ये मेरे पास जो है लो क्वालिटी का कपड़ा नहीं है बहुत हाई क्वालिटी है ये गारंटीड है ये मैं नीचे आ गई थी और जब मैं नीचे आई थी तो अम्मी लोग जो हैं वो सर्दियों की सारी जो सौगातें होती हैं वो नीचे तैयार कर रहे थे जिसमें से ये लड्डू थे जिसे पिनिया भी कहते हैं तो ये पिनिया जो है वो तैयार हो गई थी इसमें फ्लैक्स सीड थे एक होती है चावलों की पिनियाँ ज़्यादा घरों में वो बनती हैं ये चावलों की पिनियाँ नहीं थी इसमें बहुत सारे नर्स थे फ्लैक्स सीड जो है वो बेसिकली ज़्यादा था तो इस तरह की थी बस फ्लैक्स सीड की उर्दू मुझे मेरे ख़्याल से शायद उसकी अलसी उर्दू होती है मुझे नहीं पता उसे उर्दू में क्या कहते हैं लेकिन फ्लैक्स सीट जो होते हैं वो हल्के के उनका वैसे ही ना वो कड़वे होते हैं ना वो मीठे होते हैं मतलब उनका कोई खास टेस्ट नहीं होता लेकिन उसमें ओमेगा आ, सिक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है आई थिंक ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी लेकिन बस मुझे पता है कि बहुत हेल्दी होता है इसके अलावा जो है पंजीरी तैयार हो रही थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और साथ में गुड़ वाले घर में चावल भी बने हुए थे और ये पंजीरी अभी जो है ना वो अपनी इनिशियल स्टेजेस पर थी जो कि तैयार नहीं हुई थी अभी बस सब चीज़ें जो नट्स वगैरह थे वो ग्राइंड करके रखे हुए थे और जो गुड़ वाले चावल थे वो उसकी आप लोगों को पता है ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते अच्छा जी आज का व्लाग बस इतना ही आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक कर देना है सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप रोज़ रोज़ मुझे देख सकें और इसके अलावा कोई भी रबा शाब्ता करना हो तो आप लोगों ने इस वीडियो का अभी मैं फुल एंड नहीं करी जो लास्ट में मैं हमेशा एक वीडियो डाल दूँगी जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी अगर आपने पेंटिंग ख़रीदनी है या सिर्फ देखनी है या मेरे जो कपड़े हैं वो ख़रीदने हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं बस स्टार्ट होने वाला है देखें